हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे, और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार, मेरा नाम है राघव सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट गुरु। मार्केट गुरु के इस वीडियो में जो स्टॉक के बारे में जानकारी लेकर आया, ये स्टॉक को मैंने 75 रुपीज पर रेकमेंड किया था और आज ये स्टॉक जो है वो ट्रेड हो रहा है 116-117 पर। इस स्टॉक पर मैं उस समय भी बहुत बुलिश था और इस समय भी बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। उस स्टॉक का नाम है जिसके बारे में इस वीडियो में मैं इसके टेक्निकल लेवल्स के बारे में बात करूंगा और कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में आपको अपडेट करूंगा। तो अगर मैं आपको इसको बात करूं तो वो स्टॉक का नाम है GTPL हैथवे लिमिटेड। अगर मैं बात करूं तो ये स्टॉक जो है वो मुझे काफी पसंद आता है, पहले भी बहुत पसंद आता था और अभी भी बहुत पसंद आता है। उस समय मैंने जो टारगेट्स दिए थे वो आने वाले दिनों में अचीव होते हुए दिखाई देंगे। पर अगर मैं आपको बात करूं जिस वजह से ये स्टॉक मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो इसके पिछले 3 साल का जो सेल्स ग्रोथ है वो 38% का है। पिछले 3 साल का अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ किया है वो 40% का किया है। और अगर मैं इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करूं तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 316 का है। और जो कंपनी ने पूरे पिछले साल में जो सेल्स किए हैं, मतलब टीटीटी, मतलब लास्ट पूरे 4 क्वार्टर में उन्होंने ट्रेड किया है, वो किया है 2414 का। प्रॉफिट जो क्लॉक किया है वो 89 करोड़ का किया है और ईपीएस जो है वो कंपनी की 7.93 है। और अगर मैं पूरे मार्च FY20 की बात करूं तो कंपनी ने जो क्लॉक किया था सेल्स वो था 2384 करोड़ का और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 1316 का है, जो फिर से मुझे बहुत ज्यादा विश्वास देता है कि आने वाले समय में ये शेयर जो है ऐसे ही रिरेट होता रहेगा। और नेट प्रॉफिट जो था FY20 में वो था 78 करोड़ का और ईपीएस था 6.891 रुपीज का। और अगर मैं मार्च 19 की बात करूं तो कंपनी ने जो सेल्स क्लॉक किया था वो क्लॉक किया था 1246 करोड़ का, प्रॉफिट था 19 करोड़ का और 1.68 की ईपीएस थी, जो काफी अच्छी मानी जाएगी कंपनी ने पिछले 2 सालों में। यानी कि मैं अगर बात करूं तो पिछले 1 सालों में कंपनी ने काफी अच्छा ग्रोथ क्लॉक किया है। और अगर मैं मार्च FY12 की बात करूं तो कंपनी ने 358 करोड़ का सेल्स करती थी, प्रॉफिट जो था 30 करोड़ का था और ईपीएस था उस समय 203.849 रुपीज का। तो अगर मैं बात कर दूं तो ये कंपनी मुझे काफी अच्छी लगती है। और अगर मैं इसके मार्केट कैप से सेल्स के रेशियो पे ट्रेड करूं देखूं तो ये कंपनी जो है वो 0.54x पे ट्रेड करती है, जो काफी चीप मानी जाएगी। एक्चुअल कंपनियां अगर मैं सस्ते में सस्ता बोलूं तो कंपनियां कम से कम 2-3 से लेकर 5x के बीच में ट्रेड करती हैं और ये कंपनी सिर्फ 0.54x पे ट्रेड कर रही है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी जो है काफी सस्ता ट्रेड कर रही है और आने वाले दिनों में अगर ये बहुत ज्यादा यहां से बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन जाए तो ये भी बड़ी बात नहीं होगी इस स्टॉक के लिए। इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं, ये स्टॉक जो है आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए और आपको इसे 5-10 हजार का लेकर छोड़ देना चाहिए विद लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव, क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में भी ऐसे ही मार्केट को आउट परफॉर्म करता रहेगा। मैंने पिछले वीडियो में भी इसे बहुत ज्यादा लोगों को कहा था कि ये स्टॉक भी आपको खरीद लेना चाहिए जब ये स्टॉक 75 रुपीज पर ट्रेड कर रहा था तब। और 75 रुपीज जब ये शेयर ट्रेड कर रहा था तो फिर इस कंपनी ने 33 रुपीज का लो बनाया और फिर आज 170 रुपीज पर क्लोज आया। अगर मैं बात कर लूं तो वहां से अभी तक 8 महीने में कंपनी ने 60% तक का रिटर्न आप सभी को दे चुका है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप इसके फाइनेंशियल लेवल्स और जो जिस वजह के पीछे का मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों इस स्टॉक पर मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं, तो ये कुछ चीजें थी जिसकी वजह से मैं इस स्टॉक पर बहुत ज्यादा बुलिश था। पर मेरी वीडियो की सबसे अच्छी बात, आने वाले दिनों में इस शेयर को मैं कहां देख रहा हूं, मतलब मार्केट गुरु इस शेयर को कहां देख रहे हैं। तो अगर आप इसमें ट्रेड बनाना चाह रहे हैं तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप इसमें स्टॉप लॉस लगा लीजिए 109 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। आने वाले दिनों में अगर ये 109 को तोड़ता है तो आपको कौन कौन से लेवल पर इस शेयर को खरीदना है, तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा 101 आपको 102-103 पर शेयर को खरीदना है और 101 का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर वो तोड़ता है तो फिर ये शेयर 95 की तरफ आएगा और अगर 95 की तरफ आएगा तो आपको इस शेयर को 96-97 पर खरीदना है और 95 का स्टॉप लॉस लगाना है। और फिर अगर मैं आपको बात करूं तो फिर ये शेयर अगर 95 तोड़ता है तो नीचे में 86 तक आएगा, आपको स्टॉप लॉस लगाना है 87-88 का
और 86 का स्टॉप लॉस लगाना है। और अगर ये 86 भी तोड़ता है तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये शेयर 71 तक आएगा, फिर आपको 72 73 पर खरीदना है, 71 का स्टॉप लॉस लगाना है। पर सबसे अच्छी बात मेरे वीडियो की कि ये स्टॉक ऊपर में कहां तक जा सकता है, तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि ये स्टॉक ऊपर में जहां जिस लेवल पर मैं देख रहा हूं आने वाले समय में ये शेयर जाता हुआ दिखाई देगा, वो लेवल हो सकते हैं पहला टारगेट ऊपर में ये स्टॉक ला सकता है 124, दूसरा टारगेट 133, तीसरा टारगेट 142, और 142 को सस्टेन करता है तो ये शेयर 156, 180 और फिर 216 तक के टारगेट जो है वो आने वाले दिनों में ये स्टॉक आप सभी को दिखा सकता है। और इसको समय लगेगा आने वाले 18 से 24 महीने में। इस स्टॉक पर मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ और ये स्टॉक मुझे काफी पसंद आ रहा है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर मार्केट करेक्ट करता है तो ये स्टॉक में आपको नीचे में जरूर खरीद लेना चाहिए। मैं आपको फिर से रिमाइंडर दे दूं क्योंकि इस कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 3 सालों में वो 38% है और प्रॉफिट जो है वो 70% है। मैं जो भी शेयर रेकमेंड करता हूं वो बैलेंस शीट की वजह से रेकमेंड करता हूं, और इसीलिए अधिकतर मेरे स्टॉक्स मार्केट को बहुत बुरी तरह से आउट परफॉर्म करते हैं। मैंने जो आपको बहुत सारे शेयर्स बताए जिनमें सबसे पहला मैंने रिलायंस बताया था इस चैनल पर, वो डबल हो चुका है 2 साल के अंदर, अभी 2 साल नहीं हुआ है फिर भी डबल हो चुका है। टांडा सॉल्यूशन जो 10 गुना हो चुका है, और अगर मैं आपको बात बनूं तो लॉरस लैब ने आपको 4x के करीब के रिटर्न दिए हैं, ज्ञानियोज इंडिया ने आपको 3x तक के रिटर्न दिए हैं। ऐसे ही स्टॉक्स अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही स्टॉक्स मैं इस मार्केट गुरु चैनल पर हमेशा रीडिस्कवर करता रहूंगा आप सभी के लिए। जिन्होंने भी टांडा सॉल्यूशन 30 रुपए पे खरीदा था, आज उसके 1 रुपए का रेट जो है जो उन्होंने लगाया था आज से 21 महीने पहले वो 10 रुपया हो चुका है। तो ऐसी ही जानकारी ऐसे ही स्टॉक्स इस चैनल पर मिलते रहेंगे बार बार। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए मल्टीबैगर स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।